वेलकम बैक दोस्तों, आज की वीडियो पे हम लोग चलाने वाले हैं डबल स्नाइपर, क्योंकि पिछला गेम में मैंने वही चलाया था और आप लोग कह रहे थे कि बैच भाई मज़ा आ गया आपके डबल एडीब्लम गेम प्ले में। तो इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ना गाइस, वैसे डबल एडीब्लम तो इतना मिलना आसान होता नहीं है, बहुत आधे गेम के बाद ही मिलता है, बहुत मुश्किलों से मिलती है, लेकिन M82B एक ऐसी बंदूक है जो मिल जाती है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, आज M82B से गेम प्ले करते हैं जब तक कि AWM नहीं मिल जाती, यानी कि एक AWM होगी और एक M82B होगी। फटाफट से हेडफोन पहन लेता हूँ, तभी मैं सोचूँ आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। साइलेंसर देखो उतरते ही मिल गया है, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत थी नहीं। M41 भी मिल गई है, अगर ये इसका स्नाइपर है देखो यहाँ पर। ओ वाओ, ये तो M82B है यार, दूर से मुझे दिक्कत लगा कि K98 होगी, बट ऐसा था नहीं। वाओ यार गाइस, उतरते ही आज M82B मिल गया, मैं नहीं फेंकने वाला हूँ इसको। आज दोस्तों हम लोग M82B का गेम प्ले करेंगे। वैसे बहुत कम लोग इसको यूज़ करते हैं क्योंकि इसका डैमेज बहुत कम है, और खासकर ना इसमें एक प्रॉब्लम भी है कि जब भी हम ये स्नाइपर यूज़ करते हैं तो इसकी सबसे स्पेशलिटी ये कि ग्लू वॉल के आर पार भी मार सकती है, मगर ये M82B में इतने सारे ग्लिचेस है, कभी एनिमी मरता है कभी नहीं मरता है। ज़्यादातर केसेस में तो आप एनिमी को कितना ही डैमेज दे दो मरता ही नहीं है सामने वाला, मतलब डैमेज नहीं जाता उसको, फेक डैमेज जाता है। आई होप कि ऐसा आज हमारे साथ बिल्कुल भी ना हो, वरना तो फिर पूरा स्नाइपर गेम प्ले का मज़ा ख़राब हो जाएगा। और देखो जरा पीक में ना आज कोई भी नहीं आया हुआ, कोई भी नहीं आया है भाई, सब डर गए पहले मेरे गेम प्ले देख के, इसलिए मैं तो खरीदने वाला हूँ हिटलेस। आज मेरे पास भले ही बहुत ही कम कॉइन्स हो, लेकिन जितने भी कॉइन्स हो गए गाइज, सबसे पहले तो मैं हिटलेस खरीदूंगा अपने लिए, क्योंकि बंदे ना बहुत ज़्यादा छिपके बैठे हुए हैं इस पर, पता नहीं क्यों लगता है इनको मेरी स्नाइपर का आभास हो चुका है। डर के मारे इनको लग रहा होगा भाई पीक में जाएंगे तो माइनस हो जाएगी, सब लोग रैंक पुश के चक्कर में लगे हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि हम ढूंढ ढूंढ के आज इनके माइनस करवाएंगे। दोस्तों देखो वैसे सामने ही था, लेकिन अरे यार अभी ये सीमेंटेड घर ही में तो दिखाया था, ये कब हुआ? ऐसा भी होता है क्या? अब भी तो ये सीमेंटेड घर पर गाइस हमने किल देखा था आपका, उसको किसी ने मारा भी नहीं, गायब हो गया मैप से। यार ये क्या सिस्टम है, मेरे हिटलिस्ट के सारे पैसे नुकसान हो गया दोस्तों, लॉस हो गया भारी भरकम। अभी बताते हैं इसको, वैसे मुझे साउंड तो आ रही है इसके आसपास से, क्या यहीं पे बारिश छिपा हुआ क्या, ये मुझे गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो गाइस होशियारी कर रहा है। वो है तो इस घर के आसपास ही, मुझे साउंड आ रहे मेरे कानों में, लेकिन मैं इधर जा रहा हूँ तो वो उधर आ जा रहा है, समस्या है ये। चलो एक काम करता हूँ, और ये देखो यहाँ पर है, मैं सोच ही रहा था कि यार एरेस्टल का डब्बा खोलने की व्यवस्था करते हैं, बट ये बंदा यहाँ पर छिपके बैठा हुआ है। तू तो गया भिड़े, तू ना मुझे बहुत परेशान करा, अब मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। कहाँ तो जिपलाइन की तरह भाग रहा है, एक फटका गाइस मैंने उसको AWM को दे दिया। सामने वाला शायद वुडपेकर चला रहा है, तू क्या वन टैप मारेगा मुझे, मैं मारूंगा तुझे वन टैप, वो भी स्नाइपर से। ये हुई ना बात गाइस, शानदार हेडशॉट, सीधे बैक कर दिया भैया उससे, शायद ये भी शुरू से स्क्वाड खेलने आया था या फिर अपनी टीम का आखिरी बंदा बचा होगा। देखो वैसे सरकारी ड्रोन में लेफ्ट में भी एक और बंदा दिखा रहा है, तो यहीं पर जाता हूँ मैं। अभी मेरे पास वैसे कॉइन्स तो हो गए थे हिटलिस्ट के, बट कोई बात नहीं, अगर सरकारी ड्रोन है तो भाई पूरा फायदा उठाएंगे, हर कोई फायदा उठाएगा, बस मेरे सामने ही होना चाहिए ये। मेरे हिसाब से ये पक्का नीचे रिवाइव करने जा रहा होगा अपने दोस्तों को, देखो नीचे रिवाइव पॉइंट, अरे यहाँ तो ड्रॉप भी है, यही कहीं पर देखो रेड डॉट दिखा रहा है, बट गया कहाँ गया यार वो, ये रहा क्या भाई, दिमित्री के बच्चे क्या कर रहा है भाई छुपकर। अरे यार कौन सी होश में, कहाँ गोली मार रहा तू यार, तू तो कछुआ है यार। अरे नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ भाई साहब, M1014 थी उसके बाद भर दी थी उसने यार, मैं पता नहीं कैसे जिंदा हूँ अभी तक। मैं तो सोच रहा था ये बहुत ही हल्का प्लेयर है, इसको होश ही नहीं है, इसका नेट नहीं चला, लेकिन जहाँ से उसने मेरे पर फायर करा भाई, एक गोली अगर और लगती ना दोस्तों, खत्म था मेरा गेम प्ले, सारा जोश ठंडा हो जाता यार। ये M82B का भरोसा नहीं कर सकते, अपना असली मजा तो गाइस AWM का ही है, बट कोई बात नहीं, अभी भी मेरे पास 7 गोलियां बची है तो मैं इसको आज यूज़ करने वाला हूँ। 2 किल्स मैंने कर दिया है दोस्तों, और अभी भी पूरे 26 एनिमीज अलाइव है, और अब मैं जा रहा हूँ देखो सीधे सामने की तरफ, क्योंकि हिटलिस्ट तो मैं ले भी सकता हूँ वहाँ से, अगर नहीं भी लेंगे तो सामने देखो बहुत सारे ड्रॉप्स पड़े हुए हैं, तो आई एम श्योर अगर AWM ना भी मिले एक ना एक बंदा तो ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि लालची बंदे दोस्तों बहुत घूमते रहते हैं लॉबी में। वैसे क्या लगता है दोस्तों आज कितने किल्स मैं निकाल पाऊंगा, क्योंकि देखो एनिमीज ना मुझे बहुत कम मिल रहा है अभी तक, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्या छिप के खेल रहे हैं। अभी देखो मैं पीछे से आया था, और अभी उतने में देखो मिनी मैप पर कोई अपने बंदे को रिवाइव कर रहा है,
मतलब जब तक मैं वहाँ पे फाइट कर रहा था तब तक वो छिप गया, जैसे ही मैं वहाँ से निकला वो रिवाइव करने चले गया। चलो उसको भी माफ़ करते हैं। सामने की तरफ थोड़े ड्रॉप्स वगैरह हैं, मैं यहाँ पर लूटने की कोशिश करता हूँ अगर स्नाइपर मिल जाए। सामने ही लैम्बोर्गिनी भी मिल चुकी है दोस्तों, लेकिन देखो पीछे को शायद कोई हरकत करने आ चुका है, चार्ज कर रहा है ड्रॉप को। मेरे ख्याल से नई स्क्वाड हमको मिल चुकी है और वक्त आ चुका है हमारी M82B से इनका काम तमाम करने का दोस्तों। लेकिन ड्रॉप के आर-पार ये मार नहीं पा रही है, शायद वहाँ पे है नहीं, वो बहुत चतुर बन रहा है। बैठ जाता हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी में और सीधे निकलते हैं रश करने के लिए। अब मुझे लगता है ना MP40 का इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि तीन गोलियाँ बची मेरे पास, बस तीन गोलियाँ। मैं इसको इस तरह से वेस्ट नहीं करता। अबे तू तो यहीं पे बैठा हुआ है। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत सारे बंदे हैं भाई भाई भाई। MP40 एक मिनट को, इसको पहले मुझे फिनिश करना पड़ेगा। खत्म हो गया भाई सोनिया कैरेक्टर। इसके बाद ले उसने खुद को उड़ा दिया, उसने लॉन्चर मारा खुद ही उड़ गया। एक और बंदा आ रहा है, ये पड़ा इसको ग्लू वॉल के बाहर। भाई ये क्या ग्लिच है, ग्लू वॉल के आर पार मैंने हेडशॉट मारा था उसको। क्या यार, तीन गोलियां मेरे पास बची थी दोस्तों। इतना प्यारा हेडशॉट मैंने उसको मारा, लेकिन ग्लिच हो गया वहाँ पे। बट कोई बात नहीं यार, अभी मेरी सारा गुस्सा शांत हो चुका है, क्योंकि देखो मेरे हाथ में लग गई है एक AWM। क्या बात है दोस्तों, वैसे थोड़ी एमो कम है बट काम चल जाएगा, क्योंकि एनिमी भी अभी बहुत कम बचे हुए हैं। ये देखो इसका मैं सोच रहा था कोई दोस्त वगैरह इसको रिवाइव करने आएंगे, बट आए नहीं यार, पक्का दूर ही भागे होंगे, इससे डर गया होगा ना। जिस तरह से मैंने अभी क्लच किया है मरते मरते, जो मैंने इन लोगों को मारा है, ये लोग भैया अब दोबारा नहीं कूदेंगे यहाँ पर। Level 3 का हेलमेट भी मिल गया गाइस, थोड़ा रिपेयर करना पड़ेगा। ये लो अब हो गया सही, बैठ जाते हैं दोबारा से अपने लैम्बोर्गिनी में दोस्तों और निकलता हूँ अब मैं हिटलिस्ट खरीदने के लिए। नीचे फैक्ट्री में एक दुकान है और यहाँ से मैं, ओए एक मिनट, किसी ने UMP चलाई क्या? ऐसा लगा मुझे किसी ने UMP चलाई करके। चलो कोई नहीं, अभी हिटलिस्ट से पता चल जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखो हिटलिस्ट है 400 टुकन की, इसको मैं ले लेता हूँ। और स्नाइपर एमओ भी मिल गई यार, ये सही हो गया भाई, नाइस। ये हुई ना कुछ बात, लेकिन स्टोरेज फुल है, इसको फेंक लेता हूँ। थोड़े SMG किसी काम की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अभी हमको स्नाइपर की एमओ चाहिए। एक ये भी ले लेता हूँ मैं क्रोनो के स्किल, पैसे बहुत सारे हैं तो सब इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी भी कुछ भी काम आ सकता है। चलो बैठ जाता हूँ अपनी लैम्बोर्गिनी में और थोड़ी सी बैक करनी पड़ेगी। ये लो ये, ओह मेरे को लगा क्लॉक टावर पे, लेकिन ये तो अपने पीछे ही है पोची नोक पे, ये देखो। चलो यार एक काम करते हैं, पोची नोक में चलते हैं। सबसे पहले सरकारी ड्रोन को गोली मारो, अभी अपने पास अच्छा खासा किल है, वरना ये भी चले जाएगा। आई थिंक अभी अभी कूदा अपने डेथ क्रेट को वापस लूटने के लिए। ये देखो ये आ रहा है, अरे कहाँ छिप रहा है वो। एक और दोस्त आया उसका, लेकिन सीधे हेड खाएगा। क्विक हेड शॉट भैया, हम टाइम लगाते हैं एम करने में हेड पे। क्या बात ये बात है, अरे ले ये लोग अलग अलग टीम के थे शायद, इसको तो मैंने एक ही गोली मारी थी। चलो ये दोस्तों ये सही हो गया, 6 किल्स हो गए, एक बंदा वहाँ पे डाउन पड़ा हुआ है। अरे रुको रुको रुको, बाप रे लगता है इनकी पूरी स्क्वाड है यार यहाँ पर। मैं तो बहुत ही हल्के में ले रहा था, लेकिन अब गेम धीरे धीरे इंटेंस होते जा रहा है दोस्तों। चलो अभी मैंने अपने आप को रिपेयर भी कर लिया है, हील भी कर लिया है। ये देखो सामने से शायद ही मेरे ऊपर रश करने के लिए आ रहा है। अच्छा हमको मारेगा तो एक फटका तो ऑलरेडी गया, उसको 159 का मैंने दे दिया है, अब बस एक फटका उसको और मारना पड़ेगा। वैसे तो जब भी सामने वालों को AWM को फटका लगता है ना, वो डर जाता है, फिर वो एकदम से रश नहीं करता है, इसलिए हमारे पास बेस्ट टाइम है। ये देखो कैसे उल्टे पैर भाग रहा है अब, देखा पहले वो रश करने आ रहा था मेरे ऊपर, लेकिन जैसे उससे कहा भाई ये तो AWM वाला शिकारी है, इससे बच के रहना पड़ेगा। एक और से यहाँ पर फुटमार कर रहा है, इसको मारता हूँ पहले हेडशॉट, ये भी ख़त्म। शायद अभी अभी कूदा था ये पैराशूट से। अब मेरा, अरे तू कहाँ जा रहा है भाई, तू कहाँ जा रहा है? थोड़ा एम बना के दोस्तों मारना पड़ेगा इसको, ये गया सीधे बस सोनिया है यार, उसके पास हमारी नहीं रहती गोली के बाद भी। चलो दोस्तों वो भी डाउन हो गया, वाह यार मारना पड़ेगा। पहले फुल स्पीड में मेरे पास आया वो रश करने के लिए, जब उसने मुझे थोड़ा बहुत डैमेज दिया, लेकिन जैसे ही उसको AWM का फटका मारा मैंने भैया, उसके बाद तो उसके नाम ही याद हो गई, इतने स्पीड में भागा है ना वो। लेकिन हमारे हाथों से आज तक कौन भाग पाया है दोस्तों? एक बार जो आपने हमसे पंगा ले लिया, फिर तो आपकी माइनस होनी पक्की है। 8 किल्स दोस्तों हमारे हो चुके हैं और अभी भी पूरे 15 एनिमी बचे। देखते हैं इसके पास क्या माल पानी पड़ा हुआ है। वो वुडपैकर वाला प्लेयर था ये। पीक की साइड से दोस्तों अभी गोलियां चलने की आवाज़ आ रही थी, तो मेरे ख्याल से हमको बाकी के प्लेयर्स यहीं पे मिलने वाला है। कल भी देखो वैसे पीक पे मेरा गेम ओवर हुआ था,
मतलब मैंने लोगों का गेम ओवर किया था, मैं भाई बुझा कर रही थी 22 किल के साथ, वो भी डबल एडिलियम के साथ। तो अगर आपने गाइस वो वीडियो नहीं देखी है था, इस वीडियो के बाद आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी ओपी मैच था। आज मेरे पास डबल स्नाइपर है, बस मैं ME2 भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ME2 भी ना लोग सोचते हैं कि फद्दू बंदूक है, और ये है भी वैसे ज़्यादा काम की है नहीं, बट आज मैं सोच रहा हूँ कि इसे यूज़ कर लेते हैं। ओए नानी, एक लड़की पैदा हुई अचानक से, अरे बाप रे, डबल डबल बैरल गाइस उसके पास, एक मिनट। भाई 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 ये तो बहुत चला गया यार, लगता है ये मुझे पीछे से घूम के मारने की कोशिश करेगी। रुको रुको रुको, आवाज़ तो यहीं से आ रही थी, कितना जोश आ गया उसको मुझे मारने के लिए, इतना आसान है क्या मुझे मारना? अब स्पेक्टेट कर रही है, लोल, हमको हल्के में इसने, लगता है ना दोस्तों इसने मेरे हाथ में AWM नहीं देखी। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी यार, आज हम क्या वन टैप मार रहे हैं यार AWM से। लोग वैसे डेजर्ट ईगल से मारते हैं, शॉटगन से मारते हैं, लेकिन आज हम AWM से वन टैप मार रहे हैं। दोबारा से गाइज मैंने यहाँ पर हिटलिस्ट खरीद ली, यहाँ से एक सुपर मेडिकेट भी मैं उठा ही लेता हूँ। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग सीधे बाहर, क्योंकि मेरा किल बाहर के साइड में ही मज़े कर रहा है, खुलेआम खेती कर रहा है। इसको बताता हूँ कि AWM की गोलियाँ जब कान के छू के निकलती है ना बगल से, आइंदा से जितने भी इसको AWM प्लेयर दिखेंगे कभी भी खुलेआम खेती नहीं करेगा, तो उसे चुपचाप छिपके बैठे रहेगा। अभी मेरे ख्याल से ये पिंक शॉप की तरफ जा रहा है अपने दोस्तों को रिवाइव देने के लिए। अरे नहीं, ये तो और भी बाहर जा रहा है जोन के बाहर। अरे ये तो भाई दिमाग विमाग की हिल गई दोस्तों इसकी, मुझे ऐसा लग रहा है ये सोच रहा है कि भाई अब मैं कहाँ जाऊँ, पीछे से हो रहा है, आगे से मेरे हिटलिस्ट वाला शिकारी आ रहा है। पहले ही मर गया भाई, पूरी स्क्वाड खा दी वो प्लेयर ने, जो भी था एक पूरी स्क्वाड खाई है उसने, इंक्लूडिंग माय हिटलिस्ट वाला बंदा। व्हाट इज दिस यार, मैं पैसे लगा रहा हूँ अपने हिटलिस्ट पे और मार कुछ और रहा है क्या? मैं यहाँ से एक और हिटलिस्ट ले सकता हूँ? नहीं, एक मैं स्नाइपर एमो जरूर ले सकता हूँ दोस्तों, और हेलमेट भी ले सकते हैं, बाकी तो कुछ काम की चीज़ वैसा यहाँ पर है नहीं। चलो सारे पैसे गैस मैंने खर्च कर दिए जितने मैं खर्च कर सकता था। AWM ले सकता हूँ क्या? चलो गैस AWM भी ले लेते हैं, वेरी नाइस। ये भी ना बात, क्योंकि ये ME2 भी ना दोस्तों ग्लिच कर रही है, मैं हेडशॉट मार रहा हूँ, आपने देखा कि वो बंदा डाउन ही नहीं हो रहा सामने वाला, और ना डैमेज आ रहा है। यहाँ पर शायद पूरी स्क्वाड इसने लपेटे में ले ली, इंक्लूडिंग माई हिटलिस्ट। तो जो भी है ना भाई, एस नाम का प्लेयर था गाइस, उसको मारना पड़ेगा, उसको रिवेंज तो देना पड़ेगा अपने को। मेरे ख्याल से अब तो पीछे कोई भी नहीं है, शायद वो साइड के रास्ते चुपचाप निकल गया होगा। देखो वहाँ पे, ये देखो, यही था श्याम मैग, यही बंदा था जिसने मेरी पूरी स्क्वाड खाई थी, मेरे खिलते मेरे हिट लिस्ट। अब मज़े में अपने दोस्तों को रिवाइव कर रहा है यहाँ पर, बताओ। वो चुपचाप साइड से निकल गए, इसको पता नहीं था भाई आज इसने किसके हिट लिस्ट में हाथ मारा है। शेर के शिकार में गोश्त तो अगर कोई हाथ डालता है ना तो उसका हाथ भी जाता है और शिकार भी। 10 किल्स हमारे हो चुके हैं और बस 3 दोस्तों, 3 एनिमी बचे हैं। क्या लगता है हम भुइया निकाल पाएंगे? देखो सामने ये बंदा, अरे यार ये तो एक ही गोली का था, शायद जान बजाते हुए आ रहा था ये श्याम मैक्स से। इसको क्या पता श्याम मैक को हमने कब के ठिकाने लगा दिया, पेटी बना दी दोस्तों चारों तरफ। एंग्री वाला रिएक्शन दे दिए जा रहे, सबके सब चिड़ गए, कह रहे भाई यार क्यों खेल रहा है इतना खतरनाक। अब बस एक प्लेयर बचा है गाइस, टॉप वाली पोजिशन में आ गया हूँ, आस पास ही उसको होना चाहिए। देखो नीचे के साइड से मैं 2 बंदे मार के आया, पीछे के साइड कोई हो नहीं सकता, तो आखिर हैगा आसमान में तो नहीं है? नहीं नहीं आसमान में तो नहीं होगा दोस्तों, पक्का ये कहीं प्लेयर में छिपा हो सकता है, अगर मेरे पास ड्रोन होता। अरे शायद मुझे दिखा, ये देखो ये है, ये देखो ये इसे छिपके आ रहा है सीधे हेडशॉट। ओपी बुइया गाइस, आई होप आपने आज की वीडियो एंजॉय करी होगी। अगर वीडियो पसंद है गाइस तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय। मज़ा आ गया आज तो, काफ़ी सारे वन टैप मारे भाई AWM से। ये बात है।